हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यशस्वी आज आप सबके साथ टेस्टी सी सेवई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सेवई को भून लेते हैं, जिसके लिए मैंने डाला है एक गर्म कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी। इसके बाद हम यहाँ पर एक कटोरी लगभग 30 ग्राम सेवई लेंगे और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, धीरे धीरे हमारी सेवइयों ने कलर बदलना शुरू कर दिया है। सो बस अब आप देख सकते हैं हमारी सेवइयों का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना या भूनना है इसे, तो अब हम इसे निकाल लेंगे यहाँ कढ़ाई से। सेवई को हमने भून लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम डालेंगे कढ़ाई में 1 लीटर दूध। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, चलिए तब तक हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चिल्ड मिल्क लिया है। कस्टर्ड बनाने के लिए आप जब भी कस्टर्ड बनाएं, इसे नॉर्मल मिल्क या चिल्ड मिल्क से बनाएं। गर्म दूध से कस्टर्ड नहीं बनाया जाता, नहीं तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो अब कस्टर्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले इस दूध में डालेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। एंड अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। कस्टर्ड हम सेवई में इसलिए डाल रहे हैं कि इससे इसका टेस्ट एंड इसका फ्लेवर तथा इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और हमारा दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा दूध बॉईल हो रहा है। अब आप देख सकते हैं हमारा दूध अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। तो अब हम इसी समय इसमें डाल देंगे अपनी सेवइयाँ। सेवई डालने के बाद हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी सेवइयाँ पकना स्टार्ट हो गई। तो इसी समय हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसमें डाली है किशमिश, चिरौंजी, पिस्ता, बादाम, काजू। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें थोड़े से केसर भी ऐड करेंगे, जिससे इसका कलर और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। हम इसे ऐसे पकने देंगे और इसी के बाद हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डाल रही हूँ, इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। कस्टर्ड को आप कभी भी एक साथ ना डालें क्योंकि इससे इसमें लम्स आ सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच चीनी डाली है इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सेवइयाँ कितने अच्छे से बॉईल हो रही हैं। तो बस अब ये पक चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरी सेवइयाँ का कलर कितना अच्छा आया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। बस अब अपनी टेस्टी सी सेवइयाँ को थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी टेस्टी सेवइयाँ बनकर रेडी हैं पूरी तरह से। तो अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।